हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं सीटेट 2019 जो कि 7 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए पेपर वन क्लास 1 to 5 का हिंदी का जो सब्जेक्ट है पे लैंग्वेज 1 वो लेकर आई हूँ। इसका हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैंने पहले आपको करा दिया है। अभी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी। हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और जल्द से जल्द, बहुत ही जल्दी, 7 जुलाई से पहले पहले सारे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सीटेट की पूरी तैयारी सक्सेस मंच की है जिम्मेदारी। आज हम करेंगे अधिकम, जिसे लर्निंग कहा जाता है इंग्लिश में। यही टॉपिक हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, जो कि हमारा लैंग्वेज 2, एज अ लैंग्वेज 2 हम लेंगे जिसे इंग्लिश में, उसमें अधिकम पढ़ेंगे, लर्निंग जिसे कहा जाता है। तो हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट है, मतलब टर्म सेम है लेकिन लैंग्वेज की डिफरेंस होने की वजह से थोड़ा सा समझने में डिफरेंस हो जाता है। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ेंगे, ताकि दोनों अगर हम साथ में पढ़ें तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाए, क्योंकि चीज़ वही है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो आज हम अधिगम देखते हैं। देखिए, आप सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। ड्रामा, पोयम, क्वेश्चन आंसर इसके आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होता है, कैसे इसे सॉल्व करना चाहिए, इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर जाके सीटेट 2019 का एक फोल्डर होगा, उसमें जितने भी सीटेट के मैं यहाँ पर वीडियोस बना रही हूँ वो सारे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश का मैं एक अनसीन पैसेज करा चुकी हूँ, ये हिंदी का करा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। 15 नंबर का ही हमारा अनसीन पैसेज आएगा और 15 नंबर के ही जो हमारे ये सारे पार्ट्स दिए हुए हैं पार्ट बी में, ये सारे, ये भी 15 नंबर के ही आएंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ देखिए, आज हम पढ़ेंगे लर्निंग एंड एक्विजिशन। इंग्लिश में होगा अधिगम और अधिग्रहण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ लर्निंग की, उसके बाद हम बात करेंगे एक्विजिशन की, मतलब अधिग्रहण की, और फिर दोनों में क्या इंटर रिलेशन होता है उसके बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे लर्निंग, लर्निंग क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शन मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी बाद में, एक आध क्लासेस हो जाने के बाद, कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, लास्ट ईयर के क्वेश्चन और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं लर्निंग की, कि लर्निंग क्या होती है, अधिगम क्या होता है। यहाँ हिंदी में अधिगम देखेंगे और इंग्लिश में लर्निंग हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, और साथ के साथ एक्विजिशन, जितने भी यहाँ टॉपिक हैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी यहाँ जल्द से जल्द यहाँ कवर कराऊँ और ख़त्म कराऊँ आप लोगों का। तो चलिए देख लेते हैं अधिगम होता क्या है। अधिगम, सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में, मतलब कि साइकोलॉजी में, हम लोग सीखना कहते हैं। ये जो जितनी भी 4-5 लाइनें दी गई हैं ये अधिगम से रिलेटेड है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा अधिगम क्या है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब इन 4 ऑप्शन में इनमें से कोई भी लाइन हो सकती है, तो आप अच्छे से ये बिल्कुल डेफिनेशन लर्न कीजिए कि अधिगम या सीखना जो होता है, अधिगम को सीखना ही कहते हैं, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू करता है। वो माँ के पेट से जैसे ही निकलता है उसे शकिंग करना आता है, दूध पीना आता है, उसके बाद धीरे 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 वो चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, खेलना, हंसना, रोना, सब वो सीखता है। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन भर वो, जब तक वो मरता नहीं है तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और वो जो भी सीखता है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होने के लिए सीखता है, कि जो भी हम सीखें, कहीं जॉब करना सीखते हैं तो वो जॉब में कैसे हम अपने आप को ढालें, ये भी हमारा लर्निंग ही कहलाता है। और अपना जो एडजस्टमेंट वो करता है उस दौरान, वो जो उसके अनुभव होते हैं, क्या क्या उसे सीखने को मिलता है, उससे वो लाभ उठाता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जितनी लाइंस हमने ऊपर पढ़ी, इस पूरी प्रक्रिया को हम साइकोलॉजी में सीखना या अधिगम कहते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे स्टडी में, बच्चों को पढ़ाने में हम अधिगम कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं होगा, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। अधिगम की परिभाषाएँ एग्ज़ाम में आ जाती हैं। मॉर्गन के अनुसार अधिगम की परिभाषा ये दी हुई है।
अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। अगर किसी के बिहेवियर में परिवर्तन आ जाता है तो वो अभ्यास के स्वरूप आएगा और अनुभव, जैसे जैसे उसे नॉलेज होती जाएगी, जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता जाएगा, उसके फलस्वरूप जो भी परिवर्तन हमारे व्यवहार में आता है उसे हम अधिगम कहते हैं। ये मॉर्गन ने कहा है, तो आपको एग्जाम में आ सकता है, ये लाइन दी जाएगी और बोलेंगे ये परिभाषा किसने दी है। ये मैंने जो परिभाषाएं दी हैं बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट की दी हैं, तो ये आप ज़रूर से एक बार लर्न कर लीजिएगा। तो मॉर्गन ने ये लाइन कही है। सेकंड, गेट्स ने कहा है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। सेम लाइनें सब ने कही हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस हो गया है कि अनुभव और प्रशिक्षण, मतलब कि जो हमारे अनुभव होते हैं और जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे कि टीचर ट्रेनिंग आप लोग करते हैं, तो उसके द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन, और व्यवहार में परिवर्तन का यहाँ मतलब होता है कि हम बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, किस हिसाब से उन्हें टीचिंग देंगे जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं। तो व्यवहार में संशोधन, जैसा हम पहले पढ़ाते थे अब अगर हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो हम दूसरे तरीके से, नए टेक्नोलॉजी से पढ़ाएंगे, तो वही अधिगम कहलाता है हमारा। थर्ड इसमें है स्किनर, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है ये। इनकी परिभाषा है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। मतलब कि हम जैसे भी अपने आप को व्यवहार में ढाल लेते हैं, जहां हम रहते हैं उसी के अनुरूप अगर हम अपने आप को ढाल लेते हैं तो वही प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर हैं, तो जरूर लर्न कीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं मैं उसको पे भी वीडियो बनाऊंगी जल्द से जल्द, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सीटेट की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोग 7 जुलाई से पहले पूरी ये तैयारी कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीखने की विशेषताएं। सीखना सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक मतलब हम हर जगह से सीख सकते हैं, चाहे हम घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे फील्ड में हो, प्लेग्राउंड में हो, कहीं से भी हम नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। कैसे उठना है, बैठना है, खाना है, पीना, ये सब सीखने की प्रक्रिया के अंदर आता है, तो सार्वभौमिक क्रिया है ये। संपूर्ण जीवन चलता है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जीवन में सीखना लगा रहता है। सीखना विकास है, विकास मीन्स कि डेवलपमेंट हमारा होता रहता है, जैसे जैसे सीखते जाते हैं वैसे वैसे माइंड का डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, हर चीज़ का डेवलपमेंट सीखने के कारण ही होता है। सीखना परिवर्तन होता है व्यवहार में, जैसे कि पहले ऑथर्स ने कहा, जो मैंने आपको साइकोलॉजिस्ट ने कहा भी डेफिनेशन दिखाई थी कि सीखना परिवर्तन ही कहलाता है, मेनली व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। सीखना अनुकूलन है, मतलब कि हम एडजस्ट कैसे करते हैं अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली में, अपने समाज में कैसे एडजस्ट करते हैं, वही सीखना होता है। सीखना अनुभवों का संगठन है या संग्रह है, सीखना हमारे जितने सारे अनुभव होते हैं हमारे समाज से, हमें हमारे परिवार से, स्कूल से, कॉलेज से, उसको अगर एक साथ समन्वय कर दिया जाता है तो उसे ही सीखना कहा जाता है। सीखना विवेकपूर्ण होता है, यहाँ पे अच्छा और बुरा दोनों नॉलेज आ जाती है सीखने के अंदर, कोई गलत बात भी सीख सकता है, सही बात भी सीख सकता है, बट विवेकपूर्ण सीखना ही सीखना कहलाता है। सीखना सक्रिय होता है, मतलब कि कोई अगर नहीं चाहे तो नहीं सीख सकता, सक्रिय मतलब उसे हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं सीखने के लिए कोई भी चीज़, हमें अगर हाथ पैर हिलाने का मतलब है कि हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं, फिजिकली प्रिपेयर होना चाहिए सीखने के लिए। सीखना वातावरण की उपज है, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ही ज़्यादातर सीखते हैं, चाहे वो हमारा फैमिली एनवायरनमेंट हो, ऑफिस एनवायरनमेंट हो, स्कूल एनवायरनमेंट हो, कहीं का भी एनवायरनमेंट हो, हम वातावरण के द्वारा ही सीखते हैं। प्राकृतिक रूप से भी हम वातावरण के द्वारा ही सीखते हैं। सीखना खोज करना है, सीखना मतलब कि जो नए नए इनोवेशन हुए हैं वो सारा लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू ही हुए हैं, क्योंकि हम जब कोई चीज़ सीखते हैं और हमें कोई डाउट होता है तो हम फिर वो चीज़ इन्वेंट करने लगते हैं, खोज करने लगते हैं, तो वो सीखना खोज करना है। सीखने के नियम और सिद्धांत क्या क्या होते हैं, इससे पहले मैं बता दूं, जो भी मैंने विशेषताएं बताई हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सीखने की विशेषता क्या होती है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब 4 ऑप्शन में से ये जो जितने पिछले मैंने अभी स्लाइड्स में बताई हैं पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में एज अ ऑप्शन पूछे जाएंगे और फिर आपको सही मार्क करना होगा वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल्स ऑफ लर्निंग पढ़ते हैं। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ये रूल है कि हम जब से पैदा होते हैं और जब तक मरते हैं तब तक जिंदगी भर सीखते रहते हैं, चाहे वो नेगेटिव सीखना हो, पॉजिटिव सीखना हो, सीखना सीखना होता है। व्यवहार में कोई भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम है,
अगर हमारा व्यवहार कुछ और था, मतलब कि व्यवहार मतलब कि कुछ भी हो सकता है। जैसे मैथ्स के सम्स को ही ले लेते हैं, हमें मैथ्स के सम्स नहीं आते थे, हम लगातार अभ्यास करते हैं, हमें अनुभव होते हैं, उसके बाद हम मैथ्स के सम्स करना सीख जाते हैं। तो व्यवहार में ये हमारा स्थायी परिवर्तन हो गया, क्योंकि पहले नहीं आता था वो हम आने लगा, तो वो हमारा परिवर्तन ही है। व्यवहार का मतलब यहाँ हर एक कॉन्सेप्ट से लिया जाएगा, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो और इमोशनली हो, कुछ भी। तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। ये पहले सीखी गई क्रिया या अनुभव का परिणाम है। मतलब अभी मैंने जैसे बात की कि हम कोई चीज सीखते हैं और अनुभव करते हैं, उसी के द्वारा ही हमें अधिगम प्राप्त होता है। सीखने के नियम तथा सिद्धांतों की रचना मनोवैज्ञानिकों ने कई तरीके से की है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अगर मैं आगे लर्निंग थॉर्नडाइक की सीखने की जो थ्योरी है वो कराऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में थॉर्नडाइक की थ्योरी लेकर आऊंगी कि कैसे उसने बताया है कि सीखने का नियम कैसे काम करता है, तो उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी जो पेपर 1 है, उसमें भी ये आपका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट काम आएगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ 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 कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।